हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी वी टीचर्स गिड स्टूडेंट स्टूडेंट दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास सिक्स इंग्लिश विच इज हु डिड होमवर्क पैट्रिक जो मेन कैरेक्टर है आपकी स्टोरी में उसका नाम है उस बच्चे का नाम है टाइटल है आपका हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क क्वेश्चन मार्क टाइटल में ही क्वेश्चन है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया अब किसने किया वी विल ट्राई टू फाइंड द आंसर इन द चैप्टर चैप्टर में हम लोग इसका आंसर ढूंढेंगे ये आपके सिर्फ एक्सप्लेनेशन की वीडियो है इसमें चैप्टर हम लोग रीड करेंगे और आई एल एक्सप्लेन द चैप्टर टू यू इन हिंदी जैसा कि पहले हम लोग करते थे वर्ड मीनिंग्स आपको कराए जाते थे देन चैप्टर रीड करते थे सिक्स क्लास में वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज स्टैंडर्ड आप देखेंगे सेकेंडरी में काफ़ी आप हो जाएंगे आपकी इंग्लिश का हर एक पैराग्राफ में कुछ आपको न्यू वर्ड्स डिफिकल्ट वर्ड्स मिलेंगे तो जब वो वर्ड आएंगे वहीं पर आपको उन्हें एक्सप्लेन कर दिया जाएगा ओके okay? अगर कोई भी बच्चा न्यू है चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो को आप मिस ना करें ओके बिफोर यू रीड आप पढ़े उससे पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं डिस्कशन के लिए डू यू लाइक होमवर्क क्या आपको होमवर्क करना पसंद है डू यू डू इट योर सेल्फ और यू गेट हेल्प आप अपना होमवर्क खुद करते हैं या फिर किसी से हेल्प लेते हैं वॉट होमवर्क डू यू यूजअली हैव और कैसा होमवर्क आपको अक्सर यूजअली स्कूल से मिलता है सभी के आंसर्स इसमें डिफरेंट होंगे किसी को होमवर्क पसंद होगा किसी को नहीं होगा कोई खुद करता होगा कोई किसी की हेल्प लेता होगा और जैसा होमवर्क आपको मिलता है वो यहाँ पर लिख देंगे अब हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था टू बोरिंग ही सेड वो हमेशा कहता था कि होमवर्क जो है ये बहुत बोरिंग है ही प्लेड हॉकी वो हॉकी खेलता था एंड बास्केटबॉल बास्केटबॉल खेलता था या फिर एंड निन ये निन या नॉन टेंडो आप इसको प्रनाउंस करेंगे इंस्टेड इसके बजाय इंस्टेंट मतलब वो करने की बजाय वो या तो हॉकी बास्केटबॉल या फिर नन टेंडो एक वीडियो गेम है नन टेंडो जिस जापनीज इस कंपनी ने इसको बनाया है उसका नाम भी नन टेंडो ही है या फिर वो कोई वीडियो गेम खेलता था हिज टीचर्स टोल्ड हिम उसके जो टीचर्स हैं वो कहते थे पैट्रिक डू योर होमवर्क पैट्रिक अपना होमवर्क करो और या फिर क्या होगा यू वॉन्ट लर्न अ थिंग वॉन्ट फॉर्म आप जानते होंगे विल नॉट नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीखोगे कुछ भी लर्न नहीं करोगे नॉट इवन अ सिंगल थिंग एक चीज भी नहीं एंड इट्स ट्रू और ये सच भी था समटाइम्स कभी कभी ही डिड फील लाइक एंड इग्नोरेमस ये प्रोनाउंस कैसे करेंगे इसको आप इग्नॉरेमस इग्नोर से बना है इग्नॉरेमस वर्ड इग्नोरेमस बोलते हैं अ पर्सन हु डोंट नो मच ऑफ अ थिंग जिसको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता या फिर जनरली हम कह देते हैं स्टूपिड कई बार उसको लगता था कि वो सच में स्टूपिड है उसको कुछ पता ही नहीं है बट वॉट ही डू लेकिन वो क्या कर सकता था ही हेटेड होमवर्क उसको होमवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था जनरली क्या होता है जो आप स्कूल में पढ़ते हो घर के लिए टीचर्स आपको उसी से रिलेटेड होमवर्क देते हैं घर में आप जब उसको करते हो तो एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाती है चीजें रिफ्रेश हो जाती है माइंड में तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो याद रहती है अगर आप होमवर्क नहीं करते जैसे कि पैट्रिक के साथ होता है तो आप जनरली चीजों को भूल जाते हो और फिर यही होगा जो पैट्रिक के साथ हुआ है ओके okay. Then one day he found his cat playing with a little doll. फिर एक दिन क्या होता है, he found his cat. वो देखता है उसकी जो cat है वो खेल रही थी एक छोटी सी doll के साथ He grabbed it away. Grab करना मतलब होता है छीन लेना किसी चीज को To take something with sudden moment. एकदम से जब आप किसी से कुछ चीज ले लेते हो that is called grabbed. तो वो एकदम से उसको छीन लेता है doll को टू हिज सरप्राइज लेकिन उसको बड़ा सरप्राइज होता है आश्चर्य होता है इट अ डॉल वॉज अट फॉर्म एक डॉल नहीं थी फिर क्या था ओके लेट्स फाइंड आउट एट ऑल वो बिल्कुल भी कहीं से भी कोई डॉल नहीं थी बट अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज लेकिन एक मैन था जो कि बहुत छोटे साइज का था टाइनी मतलब छोटा होता है टाइनिएस्ट मतलब बहुत छोटा इसकी सुपरलेटिव डिग्री है ये टाइनी टाइनियर टाइनियस्ट ही हैड अ लिटिल बुल शर्ट उसने एक छोटी सी बुल शर्ट पहनी हुई थी विद ओल्ड फैशन ब्रिचेज एक्चुअली में जो वर्ड है ये ब्रिचेज होता है डबल ई सी एच ई एस लेकिन ब्रिचेज ब्रिचेज के साथ यहाँ पर थोड़ा सा राइम कर रहा है इसलिए ब्रिचेज यूज कर दिया गया है यहाँ पर ब्रिचेज मतलब होता है ट्राउजर एक छोटा जो ट्राउजर होता है उसने वो पहना हुआ होता है वुल उनकी शर्ट एक और एक ट्राउजर एंड हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच और विच विच मतलब होता है एक तरीके से एक वुमेन जो कि जिसके पास कुछ मैजिकल पावर्स होती है लेकिन बहुत पॉजिटिव वे में हम यूज नहीं करते जो जादू वगैरह करने वाली जो कोई लेडी है उसके विच कहा जाता है सो so, उसके पास एक टॉल जो है वो हैट थी बिल्कुल एक विच की तरह जैसे कि एक विच के पास होती है इस तरीके की हैट शर्ट और ट्राउजर कैसा वो दिख रहा था थोड़ा सा अपियरेंस आपको बताया हुआ छोटा था और ये उसने कपड़े पहने हुए थे ही चिल्लाता है सेव मे मुझे बचा लो डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट मुझे उस कैट को वापस मत देना आई ग्रांट यू अ विश मैं तुम्हें एक विश ग्रांट करता हूँ तुम्हारी एक विश मैं पूरी कर दूंगा आई प्रोमिस यू दैट और मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ कि उससे तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हें कोई विश दूंगा पैट्रिक कुडेंट बिलीव पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था हाउ लकी ही वॉज कि वो कितना लकी था हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स यहाँ पर सभी उसकी प्रॉब्लम का आंसर है ये सभी उसकी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो जाएगी होमवर्क उसकी मेन प्रॉब्लम थी सो ही सेट तो वो क्या कहता है ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर इस सेमेस्टर के एंड तक इस जो क्लास में जिसमें भी वो होगा उसके एंड तक अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर दो दैट्स थर्टी फाइव डेज सिर्फ थर्टी फाइव डेज ही बचे थे उसको खत्म होने में इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब अगर तुम एक अच्छा काम करते हो मतलब होमवर्क अच्छे से करोगे आई कुड गेट इवन एज तो हो सकता है मुझे सभी कॉपीज में जैसे आपको कॉपी के मार्क्स मिलते हैं स्कूल में सभी में ए भी मिल जाए ओके okay? अब मैजिकल पावर्स अगर आपको कोई ऐसा आदमी मिलता है तो डेफिनेटली काम अच्छा करेगा और आपको उसको सभी सब्जेक्ट्स में ए मिल जाएगा द लिटल मैन स्पेस रिंकल्ड जो लिटिल मैन था उसका फेस एकदम रिंकल्ड हो जाता है जैसे कि आपको कई बार गुस्सा आता है तो आइज़ जो है इज फेस आप थोड़ा सा सिकोड़ लेते हैं वैसा उसका फेस हो जाता है लाइक अ डिश डिशक्लोथ अब देखिए किससे उसको कंपैरिजन किया डिश क्लोथ होता है आप जब बर्तन साफ करने के लिए जिस कपड़े को यूज करते हैं बर्तन पोचने के लिए बेसिकली थ्रोन इन द हैम्पर और पोच के उसको फिर हैम्पर uh, जो बास्केट होती है आपकी लिड वाली उसमें डाल देते हैं तो बिल्कुल ऐसा उसका चेहरा हो जाता है बहुत ज्यादा रिंकल उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है ही हिज लेग्स वो अपने लेग्स से किक करता है फिस्ट fist. Fist मतलब दो हो जाती है उसके जब आप अपनी फिंगर्स को टाइटली बेंड uh, करते हैं जैसे कि आप किससे लड़ने के लिए तैयार होते हैं उसको बोलते हैं टू डबल योर फिस्ट ओके तो वो अपनी मुट्ठी बनाता है जैसे कि अभी मारने वाला है एंड ही ग्रीमेस्ड ग्रीमेस्ड मतलब होता है आपके फेशियल एक्सप्रेशन का चेंज होना जब आप किसी चीज से एग्री नहीं करते डिसअप्रूव करते हो किसी चीज को या फिर आपको गुस्सा जब आता है तो फेस का जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको बोलते हैं डिसक्रिमेस्ड तो ही डिसक्रिमेस्ड वो अपने फेस से बोलता नहीं है लेकिन डिसअप्रूवल दिखाता है कि जैसे कि वो इस काम के लिए तैयार नहीं है एंड स्कोल्ड स्कोल्ड होता है जब आप अपनी आईब्रोज को ब्रोज को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट uh, करते हो पास लेके आते हो उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं स्क्रोल्ड एंड पोस्ट हिज लिप्स पर्स जो वर्ड है ये जनरली लिप्स के रिगार्डिंग उसमें ही यूज होता है एक एक्सप्रेशन है एक तरीके से जब आप इरिटेट होते हो तो लिप्स को जिस तरीके से आप होपफुली ये जो तीनों एक्सप्रेशन है ना ये उसके फेशियल एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं आप समझ रहे होंगे कि वो जो लिटिल uh, मैन है उसके कैसे एक्सप्रेशन उस टाइम पर रहे होंगे Grimaced है, चेहरे पे एक डिसअप्रूवल का एक्सप्रेशन है स्क्रोल्ड है आईब्रोज पास में है पर्स किया हुआ है बंद किया हुआ है एकदम जैसे कि कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कई बार जो आप फील करते हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं बट एक्सप्रेशन से सब पता लग रहा है ओ आई एम कर्स्ट कर्स मतलब होता है हिंदी में अगर बताए तो श्राप जिसे आप कहते हैं कोई आ, किसी की ऐसी इच्छा जिससे कि आपके कुछ बुरा होने वाला है आपके लिए श्राप उसको कर्ज बोलते हैं तो वो कहता है कि ये तो मेरे लिए एक अभिशाप जैसा है एक श्राप जैसा है बट आई विल डू इट लेकिन क्योंकि उस टाइम उसकी प्रेफरेंस जो है उस कैट से बचना था जो कि पैट्रिक ही कर सकता है तो उसने कहा कि ठीक है लेकिन मैं ये कर दूंगा ओके स्टोरी में क्या हुआ अभी तक थर्टी फाइव डेज बचे हैं सारा होमवर्क कंप्लीट करना है जो लिटिल मैन है उसको और लेकिन वो करना नहीं चाहता बट बिल्ली से अगर उसको उस टाइम पे बचना है तो उसको करना पड़ेगा ओके एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स और अपने जो वर्ड्स का पक्का जो था द लिटिल एल्फ अब जो लिटिल मैन है उसके लिए एल्फ यूज किया हुआ एल्फ एक बिजनी का कैरेक्टर है मैं एक सेकेंड दिखा देती हूँ ये देखिए अगर आपने हेरी पॉटर देखिए उसमें भी होता है छोटा सा कैरेक्टर होता है जिसके पास मैजिकल पावर्स होती है ईयर्स उसके थोड़े से पॉइंटेड होते हैं इसको एल्फ कह कहते हैं ये देखिए ओके तो वो जो लिटिल एल्फ था बिग्न टू डू पैट्रिक्स होमवर्क वो पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर देता है

हेल्प मी हेल्प मी ही के लिए बुलाता रहता था एंड पैट्रिक वुड ऑलवेज है और पैट्रिक को हमेशा हेल्प करनी पड़ती थी इन वॉट एवर वे जिस भी तरीके से वो हेल्प करता था एल्फ की आई डोंट नो दिस वर्ड मुझे ये वर्ड नहीं आता नहीं पता दी एल्फ स्क् वाइल्ड रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क पैट्रिक का होमवर्क जब वो पढ़ रहा था तो वो स्क्विक करता है स्क्वीक मतलब होता है जब आप छोटी छोटी सी साउंड निकालते हैं बहुत हाई वॉल्यूम की आपने सुना भी होगा कि उसकी जो आवाज़ है वो बहुत स्क्वीकी है स्क्वीकी कान में चुभने वाली सी जो आवाज़ होती है तो वो स्क्वीक करता है चिल्ला के बोलता है कि मुझे तो ये वर्ड पता ही नहीं है गेट मी अ डिक्शनरी मुझे एक डिक्शनरी ला दो नो no, नहीं वॉट्स इवन बेटर इससे अच्छा तो ये रहेगा लुकअप द वर्ड तुम ये वर्ड देखो डिक्शनरी में एंड साउंड इट आउट एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर और एक एक लेटर करके मुझे बताओ कि इसका क्या मतलब है यानी कि जो एल्फ है वो काम सारा पैट्रिक से ही करा रहा है कहीं ना कहीं डिक्शनरी लाने को बोलता है फिर कहता है नहीं नहीं तुम ही मुझे देख के बता दो लेटर बाय लेटर फिर जो तुम कहोगे मैं वो लिखता जाऊंगा व्हेन इट केम टू मैथ्स और जब मैथ्स की बारी आती थी पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक तब पैट्रिक का लक काम नहीं करता था लक क्या था पैट्रिक का कि उसको होमवर्क करने के लिए एक एल्फ मिल गया था लेकिन उस टाइम पे उसका लक काम नहीं करता था क्यों वॉट क्योंकि शायद से एल्फ जो है इसको जो मैथ्स है वो आती ही ना हो वॉट आर तुम टेबल्स लर्न करते हो जैसे आप करते हैं टू की टेबल थ्री की टेबल ये क्या होती है The elf shriek. श्रीक करना, स्क्रीम करना, चिल्लाना तो वो जोर से चिल्लाता है कि वॉट आर table? ये टेबल्स क्या चीज है प्लूरल need है हम एल्व्स को तो कभी भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती है ओके okay. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड फ्रैक्शन कहने का मतलब है एडिशन फ्रैक्शन कभी भी हमें एल्स को उसकी जरूरत नहीं होती है तो उसको कुछ भी नहीं आता हेयर सिट डाउन डिसाइड मी यहाँ पर मेरे साइड में बैठ जाओ यू सिंपली मस्ट गाइड मी तुम्हें सिंपली क्या करना है बस मुझे गाइड करना है कि बताते रहो कि क्या करना है मुझे एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एल्फ्स को तो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता मतलब हिस्ट्री का भी वो काम नहीं करता टू देम इट्स अ मिस्ट्री ह्यूमन हिस्ट्री तो हमारे लिए एक मिस्ट्री जैसा है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं मिस्ट्री मतलब एक रहस्य जैसा है टू द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शाउटर जस्ट गॉट लाउडर जो लिटिल एल्फ था वो पहले बहुत चिल्ला के बोलता था वो और लाउडर हो जाता है जब वो उसका होमवर्क करता था गो टू द लाइब्रेरी लाइब्रेरी जाओ आई नीड बुक्स मुझे बुक्स की जरूरत पड़ेगी तुम्हारा होमवर्क करने के लिए मोर एंड मोर बुक्स और बुक्स लाओ और बुक्स लाओ एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम ट्रू और हेल्प करो मेरी पहले उनको पढ़ो अब देखिए और काम बढ़ गया पैट्रिक का पहले वो बुक पढ़ेगा फिर एल्फ को बताएगा या फिर अगर सॉल्व भी करना है तो उसकी हेल्प उसको कॉन्स्टेंट करनी पड़ रही है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट और सच बात तो ये है एवरी डे इन एवरी वे हर दिन हर तरीके से द लिटिल दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग वो जो है एक नैग था नैग बोलते हैं जब आप किसी चीज़ के बारे में कॉन्टिन्यूसली कंप्लेन करते रहते हैं जैसे कई बार आप किसी को बोल भी देते स्टॉप नैगिंग है ना कोई एक ही बात बार बार कही जा रहा है हमेशा कंप्लेन के भी मोड में रहता है वही एल्फ था वो हमेशा कहता था मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता प्रॉब्लमेटिक ही था राधर देन सॉल्विंग दी प्रॉब्लम ऑफ पैट्रिक ओके Patrick was working harder than never, than ever, and was it a drag? तो सच बात तो यह कि Patrick जो है पहले से भी ज्यादा hard work कर रहा था और ज्यादा मेहनत कर रहा था जो उसने जितनी कभी की भी नहीं than ever, and was it a drag? और ये एक drag करने drag करना मतलब होता है कि किसी चीज को जब आप uh, को जबरदस्ती कुछ करना होता है he was staying up nights, वो रात को भी जागता रहता था. Had never felt so weary. वेरी मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं वेरी टायर्ड उसके लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज वेरी वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड और स्कूल वो जाता था उसकी आंखें एकदम पफ्ड थी सूजी हुई होती थी एंड ब्लेरी ब्लेरी मतलब ऐसे रेड आईज होती है या फिर जब ब्लेरी जब आप किसी चीज को क्लियर नहीं देख पाते ब्लरी से आप थोड़ा सा इसका मीनिंग क्लोजली रिलेट कर सकते हैं ओके okay? सो नहीं पा रहा है रात को आंखें एकदम थकी हुई लग रही है बहुत ज्यादा रेड uh, हो गई है ओके okay? फाइनली लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड फाइनली स्कूल का लास्ट डे जो है इट अराइव आ जाता है एंड द एल्फ वॉज फ्री टू ग्रो और अब एल्फ जो है वो जाने के लिए एकदम फ्री है एज पर होमवर्क देर वॉज नो मोर क्योंकि होमवर्क के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था सो ही क्वाइटली इसलिए वो चुपचाप एंड स्लाइली स्लाइली मतलब वैसे तो होता है गुप्त तरीके से स्लिप्ड आउट द बैकडोर पिछले दरवाजे से स्लिप कर जाता है चला जाता है चुपचाप पैट्रिक गॉट हिज एज पैट्रिक को उसके ए जो है ए ग्रेड मिल जाता है हिज क्लासमेट्स वर अमेज उसके क्लासमेट्स अमेज हो जाते हैं एकदम हिस्सा कितने सारे राइमिंग वर्ड्स आप देख रहे हैं जो चैप्टर है भले ये चैप्टर पोएम नहीं है लेकिन बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स यूज हुए हैं ओके okay, तो टीचर जो है वो स्माइल करते हैं हमेशा पैट्रिक को होमवर्क के लिए वो बोलते रहते थे वो फुल ऑफ प्रेज प्रेज मतलब तारीफ होता है और दे ऑल वर प्रेजिंग वो सब उसकी तारीफ करते हैं एंड हिज पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स का क्या कहे दे व वॉट हैड है सोच रहे थे कि पैट्रिक को हुआ क्या है ही वॉज नाउ अ मॉडल किड अब वो एक मॉडल मतलब चेंज्ड बिहेवियर था पूरा उसका रोल मॉडल जिसको आप कहते हैं वो वर्ड मॉडल मतलब वो मॉडल नहीं जो आप टीवी पर देखते हैं तो वो एक मॉडल किड था अभी जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन हो सकता था सब बिहेवियर मतलब उसका अच्छा था क्लीन डिज रूम अपना रूम खुद क्लीन करता था डिडीज कॉरिज अपने सारा घर का काम खुद करता था वॉज चेयरफुल हमेशा खुश रहता था नेवर रूड कभी भी रूड बिहेवियर उसका नहीं था लाइक ही हैड डेवलप अ होल न्यू एटीट्यूड ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल नया एटीट्यूड डेवलप हुआ है उसमें पूरी तरीके से पैट्रिक अब चेंज हो चुका था यू सी इन दी एंड पैट्रिक स्टिल थॉट और आप जानते हैं कि आखिर में पैट्रिक अभी भी ये सोचता है ही मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क उसने उस टाइनी मैन से अपना सारा काम करवा लिया बट आई शेयर अ सीक्रेट लेकिन मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ राइटर कह रहा है जस्ट बिटवीन यू एंड मी और ये तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहना चाहिए इट वॉजन एल्फ ये एल्फ नहीं था पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ पैट्रिक ने ये खुद किया था सभी कुछ सब कुछ उसने ढूंढा बताया उसने सिर्फ जो उसने कहा वो लिखता गया और यही रीजन था कि उसके बिहेवियर में चेंज हुआ क्योंकि उसने काम खुद किया है अगर एल्फ करता वो कुछ ना करता तो शायद से वो जैसा था वैसा ही रहता ओके राइटर कैरल मोर ओके अमेरिकन एजुकेशनिस्ट है जिन्होंने कि ये चैप्टर लिखा है एंड होपफुली चैप्टर से आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा दैट हार्डवर्क जो है इज द ओनली की टू सक्सेस कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते कई बार हम लोग आलस की वजह से नहीं करते है. फिर हमें लगता है कि टाइम बहुत कम बचा है हम कर ही नहीं सकते अब तो कुछ हो ही नहीं सकता जबकि ऐसा कुछ नहीं है अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो जैसे पैट्रिक ने किया एंड इससे यू विल गेट ऑल दी अप्रिसिएशन एंड इट विल चेंज योर बिहेवियर ऑल्सो सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इसके जो क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो है वो जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी वेट फॉर दैट टू कम ओके थैंक्स अगेन